YouTube channel. Keep watching my videos. कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये सही भी है क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। यहाँ एक पात्र रिंकू के बारे में बताया जा रहा है जिसने अपनी विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर किया। विश्वास की शक्ति कहानी पावर ऑफ फेथ स्टोरी इन हिंदी डॉट स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पाए में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पाए में पिछड़ने का डैक तो रिंकू को भी होता था। अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से ये तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघ कर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहाँ की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघ कर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भाम पते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वो तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लंघ लिया था तो पाए कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगा कर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाए। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति पाते हुए ऊंचे ओहदे तक पहुंच गया। कहानी से शिक्षा। मॉरल ऑफ थे स्टोरी: विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।